तो आज से कुछ 4-5 महीने पहले ये लैपटॉप आया था और तब से मेरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है और एक कमेंट लिटरली भाई 6 महीने से लगातार आ रहा है। तो शायद इसीलिए मैं ला पाया, क्योंकि भाई तुम प्यार इतना करते हो, तारीफ कर दी, सब्सक्राइब करो। चलो तो ये रहा तुम्हारा HP Victus Ryzen 7 7840 HS RTX 3050 6GB VRAM वाला। कर दे फिर अनबॉक्स। तो एक मिलती है इसके साथ पावर कोड और एक मिलता है इसके साथ 200 वॉट्स का अडैप्टर। देन आता है भाई ओए होए अपना लैपटॉप और इसके ऊपर मिलती है हमें एक कागजी पुस्तक, बड़ी कम पुस्तक देता है HP। लेट्स ओपन दिस। ओहो आजा आजा आजा। डिजाइन पे भी आते हैं, अभी पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो। प्रोसेसर इसके अंदर Ryzen 7 7840 HS 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ। अभी रिसेंटली हमने एक i5 13500H वाला Victus रिव्यू किया था, भाई साहब क्या वीडियो बनाई थी। मतलब तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी ना भाई, सब कुछ नहीं देखा, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर RTX 3050 6GB VRAM के साथ, 95 वोट की TGB मिलती है इसमें, बिल्कुल फुल फ्लेजेड वाला 3050 कह सकते हो इसे। और रैम इसके अंदर 16GB की डुअल चैनल DDR5 5600 MHz वाली, एंड ये मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड हो सकती है। और स्टोरेज के लिए 512GB की Gen 4 SSD, 6000 के आसपास रीड राइट स्पीड आ जाती है इसके अंदर। बाकी एक्स्ट्रा स्लॉट के रिगार्डिंग भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन HP की वेबसाइट पर नहीं मिली मुझे, मतलब कहीं पर भी नहीं मिली यार, पता नहीं क्यों नहीं देते ये। और मैं इसको भाई खोल नहीं सकता, बट एग्जिस्टिंग अगर एक स्लॉट जो इसमें ऑलरेडी डला हुआ है ना, उसमें भी अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो 1TB तक तो आराम से कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मे बी हो सकता है 2TB तक भी हो जाए। और कनेक्शन बनाने के लिए Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है इसके अंदर हमें। बाकी MS Office Home and Student 2021 वाला इसके अंदर इंक्लूडेड है। मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर तो है, बाकी भाई जहां से तुम खरीदो वहां से कंफर्म करके खरीदना। ऐसा ही सेम Victus तुम भी अगर खरीदना चाहते हो, या फिर अगर कोई भी लैपटॉप खरीदना चाहते हो और दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद के आसपास से देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही तगड़ी जगह बताता हूं। तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन, वहां पर गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल, कैसा भी लैपटॉप एंड ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स अवेलेबल है उनके पास। किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स वगैरह मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर कॉन्टेक्ट करना चाहो कर सकते हो, भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा, तुम्हारा फायदा भाई। डिजाइन वैसे यार टिपिकल Victus वाला ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा में चेंज नहीं मिलता। अब ये मेरे पास ब्लू वाला कलर है, इसके अंदर एक और ग्रे वाला कलर भी आता है। यहाँ पर Victus का लोगो, यहाँ भी Victus का लोगो। पीछे ये मिलते हैं हमें एग्जॉस्ट वेंट्स बहुत ही सारे बढ़िया बढ़िया से, और यहाँ पर हमें मिलती है सारी ग्रिल्स इनटेक के लिए। बाकी नीचे से भी पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर आता है, एंड यहाँ पर देख सकते हो हमें 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। भाई पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, बट एक चीज बढ़िया लगती है मुझे कि जो मतलब क्वालिटी यूज करिए ना इन्होंने, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करें तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल साइड है, ऐसे प्रॉपर लाइक गेमिंग वाइब नहीं आएगी, बीच का कह सकते हो। बाकी एक हाथ से अगर हम ओपन करना चाहे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये हल्का हल्का अपलिफ्ट हो जाता है भाई। बाकी वैसे हिंज में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओवरऑल स्टेबल है हिंज अगर बंद खोल करते हो तो। बस एक पर्सनल सलाह दूंगा कि जब भी लीड को ओपन करो ना, तो हमेशा बीच से करा करो, साइड से कभी भी ओपन मत करना। साइड से ओपन करने से ही ज्यादातर हिंज टूटते हैं लोगों के, वरना कोई दिक्कत नहीं आती। एंड वोबलिंग की बात करें तो वोबलिंग तो इसमें शुरू से ही है, और HP ने कुछ चेंज करा नहीं है। एंड अगर फ्लेक्स की बात करें तो अपर लीड में हमें हल्का फुल्का फ्लेक्स मिलता है, जितना एक पॉलीकार्बोनेट वाले किसी भी लैपटॉप से तुम एक्सपेक्ट करोगे। सेम फ्लेक्स हमें कीबोर्ड में भी मिलता है थोड़ा बहुत, जो वैसे इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग करते हुए कभी कुछ तुम्हें नोटिस नहीं होगा। एंड वेट की बात करें तो अपने लैपटॉप का वेट है कुछ 2.3-2.4 kg के आसपास। एंड अगर चार्जर और पावर कोर्ड भी रख करके चेक करें तो 2.9 kg का, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलो का सिस्टम हो जाता है। बाकी एक चीज ध्यान में रखना, ये 16 inches का है, ये 15 वाला नहीं है, इसलिए हल्का सा ऐसे लंबा लंबा सा फील होता है, मतलब चौड़ा चौड़ा सा। बाकी अंदर का डिजाइन भी काफी ज्यादा प्लेन सिंपल, काफी हद तक प्रोफेशनल लुक है। राइट साइड में हमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, बीच में मिलता हमें एक बहुत ही बड़ा सा टचपैड, और टचपैड वाकई में काफी बड़ा है भाई। बाकी टचपैड की क्वालिटी काफी सही है, फुल टच है, एकदम जेस्चर वेस्चर सब सपोर्टेड है। वैसे तो प्लास्टिक बिल्ड का, बट यूज करने में ऐसा बढ़िया लगता है, मतलब फीडबैक सही लगा मेरे को। बाकी गेमिंग लैपटॉप है तो माउस ही यूज करोगे मेरे हिसाब से, गेम नहीं खेलने का। टच पैड के ऊपर आता अपना एक फुल साइज कीबोर्ड, 1 zone RGB कीबोर्ड है, मतलब फुल कीबोर्ड पर लाइटें जलेंगी अलग अलग, तुम कस्टमाइज कर सकते हो ये ओमन गेमिंग हब से। बाकी फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हमें मिलते हैं, ओमन गेमिंग हब का और कैलकुलेटर का भी शॉर्टकट है। बाकी टाइपिंग वाइपिंग करते हो कोई दिक्कत नहीं आती, कीबोर्ड का फीडबैक काफी अच्छा है। तो जैसा अपना ओमन गेमिंग हब का सॉफ्टवेयर यहाँ पर सामने देख सकते हो कि स्टैट्स वगैरह
हमारे पास आ रहे हैं, साइड से भी तुम देख सकते हो काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी लैपटॉप की चीजें अगर चेंज करनी है विक्टस लैपटॉप में आओगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि नेटवर्क बूस्ट करना है, स्टैट्स वगैरह देख लो यहाँ से भाई, एंड यहाँ पर डिटेल स्टैट्स भी दिखा देता है। यहाँ से नेटवर्क बूस्टर वगैरह ऑन कर सकते हो, लाइटिंग यहाँ से हम कीबोर्ड की एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें आरजीबी कीबोर्ड मिलता है भाई यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया एकदम लाइट वाइट लगाओ मस्त, अलग अलग जोन्स नहीं है तो एक बार में एक ही कलर चलेगा, एंड और कोई मोड्स वगैरह भी हमें नहीं मिलते, एक ही कलर चलता है भाई। बाकी परफॉर्मेंस कंट्रोल पर आओगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड सेट कर सकते हो, फैन स्पीड भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल पे जाएंगे तो अपने हिसाब से भी फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम पे भी हो जाएगी तो पंखे फुल हो जाएंगे। एंड यहाँ ग्राफिक स्विचर में जाओगे तो ये आ गया अपना मक स्विच, यहाँ पर हाइब्रिड और डिस्क्रीट का ऑप्शन मिलता है, आईजीपी पे शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा मेरे को। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है एक RJ45 लैन पोर्ट, एक यूएसबी टाइप ए 3.2 जेन 1 वाला पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड पे हमारे पास एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, दो यूएसबी टाइप ए 3.2 जेन 1 वाले पोर्ट और एक अपना यूएसबी सी 3.2 जेन 1 वाला पोर्ट। एंड टाइप सी वाले पोर्ट में डीपी 1.4 ए पावर डिलीवरी दोनों का सपोर्ट है, तो टाइप सी और HDMI दोनों से डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। HDMI से डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से मिलेगा और 4K 60 तक आराम से मिल जाता है, और टाइप सी से हमारा IGBU से आउटपुट आता है और 1080p 60 से ऊपर आउटपुट नहीं मिल रहा। देन आती है भाई अपनी डिस्प्ले, और डिस्प्ले इसके अंदर है 16 इंचेस की FHD 1080p रिजोल्यूशन के साथ IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस आती है, 144 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट है और 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है हमें। कलर गैमेट की बात करें तो वो है 45% NTSC, और पता है एक झोल है जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला फ्लिपकार्ट पर, सेम इसी मॉडल के अंदर ना जो लिस्टिंग हो रखी है, मैंने मॉडल नंबर पार्ट नंबर सब मैच करा, उसके अंदर मेंशन है कि 100% sRGB दे रखी है इसमें, जबकि एक्चुअल में इसके अंदर 45% NTSC आती है जो कि ऑलमोस्ट 62% sRGB के इक्वल होती है। तो 100% sRGB का मतलब होता है कि तुम कलर एक्यूरेसी वाले सारे काम कर सकते हो, कलर वगैरह काफी एक्यूरेट आते हैं, बट एक्चुअल में इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बेसिक IPS डिस्प्ले आती है जो ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में हमें मिलती है। इवन HP की वेबसाइट पर भी यही मेंशन है कि इसके अंदर हमें 45% NTSC ही मिलती है। अगर फ्लिपकार्ट से कोई देख रहा है तो प्लीज इसे ठीक कर दो। बाकी वैसे अगर डिस्प्ले की क्वालिटी बताऊं तो काफी अच्छी है, मतलब तुम इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हो, कंटेंट कंजम्पशन करना हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना हो, मूवीज देखना हो, कलर वलर व्यूविंग एंगल वगैरह सब बढ़िया आते हैं, बस कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं हो पाएंगे। जैसे कलर ग्रेडिंग करनी है तुम्हें कोई फुटेज में, वीडियो एडिटिंग वगैरह अगर तुम प्रोफेशनली करते हो तो उसमें फिर कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, यूट्यूब लेवल तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वेबकैम इसके अंदर हमें मिलता है 1080p वाला जो कि एक प्लस पॉइंट है, बाकी क्वालिटी देख लेते हैं एक बार। एंड यहाँ पर हमें प्राइवेसी शटर भी दे रखा है, ये पहले नहीं आता था अब रिसेंटली आने लगा है। तो ये अपने वेब कैमरा क्वालिटी एक्सपोजर काफी सही तरीके से मैनेज कर रखा है इसने, क्योंकि मेरे आगे अच्छी खासी लाइट है, या देख सकते हो अच्छी खासी लाइटें लगा रखी है हमने, लेकिन फिर भी चेहरा ऐसे बहुत ज्यादा नहीं चमका रहा है। बाकी 1080p के हिसाब से क्वालिटी देख लो, और माइक भी इसी का यूज हो रहा है तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी भाई तुम्हें, और अगर इतना भी तुमसे नहीं हो रहा ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे करो जल्दी। तो यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी ब्रांडिंग दिख रही होगी B&O की, इसका मतलब है बैंग एंड ओलफसन, जिसके स्पीकर इसके अंदर डाल रखे हैं, मतलब बहुत ज्यादा महंगी महंगी मर्सिडीज के अंदर आते हैं भाई इसके स्पीकर, देखें हम कैसा मर्सिडीज का स्वाद आता है इसमें, आता भैया या नहीं। देखो यार आवाज लाउड तो है, और मतलब ऐसे इज्जत तो बचा ली इन्होंने कंपनी की, पर यार देखो वो भी नहीं है कि तुम बिल्कुल मर्सिडीज के लेवल के एक्सपेक्ट करो, बस हाँ अबव एवरेज मान सकते हो, हल्की हल्की बेस आ जाती है, बाकी लाउडनेस जनरली जितने लैपटॉप में आते हैं ना उनसे बेटर है, तो ठीक है काम चल जाएगा तुम्हारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बैटरी इसके अंदर हमें मिलती है 70 वाट आवर्स की, अगर बैकअप निकालना है तो उसके लिए करना पड़ेगा जुगाड़, जो कि कीबोर्ड बैकलाइट बंद करना, ब्राइटनेस को 50-60% पे कर देना और बैटरी सेवर ऑन कर देना, रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज पे कर देना, अगर ये सब चीजें करते हो और नॉर्मल यूज करते हो ब्राउजिंग वगैरह, एंड मक स्विच के अंदर ऑटोमेटिक पर सेट कर रखा है, तो तुम्हें भाई 3-4 घंटे का बैकअप ये लैपटॉप दे देगा, मतलब हद से हद बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इतना भी दे देना अगर ये तो भाई गनीमत समझना। बाकी यूज पे भी डिपेंड है भाई कैसे यूज करते हो। अब आती है अपनी परफॉर्मेंस, तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट करे इसमें, सिनेबेंच 2024, सिनेबेंच R23, गीकबेंच 6 और गीकबेंच 6 का ग्राफिक क्वालिटी का स्कोर भी देख लो, पीसी मार्क 10 के स्कोर भी देख सकते हो भाई, क्रॉस मार्क के अंदर हमें ये स्कोर मिले थे और 3D मार्क टाइम स्पाई के अंदर भी बढ़िया स्कोर निकाल दिया इसने, और VR मार्क का स्कोर भी देख ही लो साथ साथ, VR गेमिंग भी ये करवा देगा, बट बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, मीडियम नॉर्मल हल्की फुल्की लेवल की। तो अभी करंटली ना HP का कर रहा है भाई, कुछ मॉडल निकाल रहा है कुछ मॉडल डिसकंटिन्यू कर रहा है, मतलब पता नहीं इसको क्या मजे आ रहे हैं ये करने में, मतलब हम जैसे लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने में, 2-3 महीने में मॉडल गायब। अभी जो लेटेस्ट इनका चल रहा है 13th जनरेशन i5 के अंदर, वो है i5 13420H वाला, वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आ जाता है जिस प्राइस पर हमें ये वाला मिल रहा है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस
इसका सीपीयू ज्यादा बेटर है, ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस निकालता है और 13500H से निकाल ही रहा है बेटर। तो 80,000 के अंदर इसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मान सकते हो, मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो अभी मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो अगर स्टूडेंट वाइज बताऊं, कोई भी काम तुम कर सकते हो भाई, नोट्स बनाने हो, प्रोग्रामिंग करनी हो, कोडिंग करनी हो, सिमुलेशन वगैरह रन करने हो, मतलब हैवी से हैवी सीपीयू रिलेटेड टास्क कोई स्टूडेंट क्या ही कर लेगा, वो सब इसमें हो जाएगा। एंड अगर साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी करनी है तो फोटो एडिटिंग करनी हो या फिर वीडियो एडिटिंग करनी हो, 4K लेवल तक मस्त हो जाएगी भाई किसी भी दिक्कत के बिना। इवन मल्टी लेवल वाली 4K भी सपोर्ट कर देगा ये प्रोसेसर, इतना पावरफुल है। एंड म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम भी इसमें कर सकते हो। एंड अगर आफ्टर इफेक्ट्स कोई यूज करता है तो, क्योंकि इसमें अपने को ग्राफिक कार्ड मिल ही रहा है और वो भी 6GB रैम वाला, तो काफी हद तक आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी तुम काफी अच्छे लेवल के काम कर पाओगे, एनिमेशन वगैरह। बट बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जाना है तो वो मैं उसके लिए प्रेफर नहीं करूंगा, फिर थोड़े और ज्यादा हायर ग्राफिक कार्ड को प्रेफर करो। एंड ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं तो इस 3050 के हिसाब से बताऊं तो 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर आर्किटेक्चर, VFX, गेम डेवलपमेंट ठीक ठाक लेवल की कर सकते हो। इससे ज्यादा हाई लेवल की मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 3050 के हिसाब से ही सोच के चलो, 4GB वाला जो 3050 आता था ना, उससे डेफिनेटली बेटर है, बट 4050 इससे बेटर है। तो फिर अगर ज्यादा हाई लेवल का काम है तो एक बार उस हिसाब से चेक करना, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक बार अपनी देख लेना कि तुम्हारा काम क्या होने वाला, कहीं मैं बोल दूं फिर वो तुम्हारा हो ना, और फिर भाई साहब कमेंट सेक्शन में भैया गाली दे दो। बाकी अगर गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए गेम टेस्ट हम कर ही देते हैं तुम्हारे लिए एकदम डिटेल वाले, तो प्लीज भाई पूरा देखना, स्किप मत करना, जाओ देखो। पहले हमने CS2 टेस्ट किया, बिल्कुल फुल हाई प्रीसेट रखा था, और यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास FPS आ रहे हैं अच्छे खासे, 120-130 तक FPS बड़े आराम से आ रहे थे, मैक्सिमम 140 तक टच हुए थे। एंड टेम्परेचर भी 72 डिग्री ज्यादा नहीं गए, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, उसके हिसाब से मतलब टेम्परेचर सही बैलेंस कर दिया लैपटॉप ने भाई। इसके अलावा भाई 90W तक हमारा GPU कंज्यूम हो रहा था, मतलब लैपटॉप पावर पूरी दे रहा है अपनी तरफ से। देन GTA 5 टेस्ट किया हमने, बिल्कुल वेरी हाई प्रीसेट रखा था, और यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे पास 120-130 तक FPS आ रहे हैं, मतलब 130 तक तो कभी कभी टच होते हुए दिख ही रहे हैं, बाकी 100 प्लस हमेशा रहते हैं। और यहाँ पर हमारे CPU GPU की पावर देख सकते हो कि कैसे ड्रो हो रही है साथ साथ। एंड टेम्परेचर GTA 5 में भी 80-81 डिग्री से ज्यादा हाई नहीं गए, तो मतलब गर्मियों के अंदर भी ना थर्मल इसके अच्छे काम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। देन वैलोरेंट टेस्ट किया, बिल्कुल फुल हाई प्रीसेट रखा, और ये CPU इंटेंसिव गेम है तो उस हिसाब से यार देख सकते हो कि FPS हमारे पास 250-260 तक टच हो रहे हैं, मतलब Ryzen 7 जो ये CPU है ये अच्छी FPS निकाल के दे रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। और डुअल चैनल तो होती है DDR5, तो उसका भी फायदा हो रहा है यहाँ पर, तो 250-260 तक बढ़िया FPS मिल जाएंगे, e-sports गेमिंग आराम से कर सकते हो। एंड टेम्परेचर भी 84-85 डिग्री ज्यादा हाई नहीं गए। देन Far Cry 6 टेस्ट किया, बिल्कुल अल्ट्रा प्रीसेट पर, और यहाँ पर हमारे पास FPS अच्छे खासे आ गए अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से, बिल्कुल सही है। अगर तुम 6GB वाले 3050 के हिसाब से देखोगे तो 60+ FPS आ रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर GPU की पावर हमारी मैक्सिमम 85W तक ड्रॉप कर लिया इसने, और टेम्परेचर इस वाले गेम में भी बिल्कुल बैलेंस थे, तो मतलब ट्रिपल ए टाइटल तगड़े लेवल की गेमिंग करा सकता है लैपटॉप। देन हमने RDR 2 टेस्ट किया, बिल्कुल अल्ट्रा प्रीसेट पर, और यहाँ देख सकते हो कि अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से 40-45 FPS हमारे पास आ रहे हैं, जो कि 3056 GB के हिसाब से बिल्कुल सही परफॉर्मेंस आ रही है। 90W तक मैक्सिमम GPU ने भी पावर ड्रॉप करी है हमारे पास, तो मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हैवी से हैवी टाइटल अच्छे खासे FPS निकाल के दे रहा है इस लैपटॉप में, और जितना पोटेंशियल है GPU का उतना हमें मिल रहा है। देन Hogwarts Legacy टेस्ट किया ऑडियंस डिमांड पर, एंड हाँ अल्ट्रा प्रीसेट पर टेस्ट करा हमने, और यहाँ देख सकते हो कि साथ साथ DLSS ऑन करके कितना फर्क हमारे पास आता है, अच्छा खासा फर्क था, 100-110 तक FPS चले गए DLSS के बाद, और पावर ड्रॉ वगैरह भी 80W के आसपास थी इस वाले गेम के अंदर, और टेम्परेचर वगैरह सब चीजें बैलेंस थी, तो मतलब स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं, साइड बाय साइड कंपेयर कर लो कि कितना फर्क पड़ता है DLSS के साथ। देन गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि अल्ट्रा प्रीसेट पर हमारे पास DLSS के साथ कितना डिफरेंस आता है, तो जो भी है तुम्हारे सामने स्टैट्स वगैरह पूरे देख सकते हो, टेम्परेचर वगैरह कैसे रहते हैं। बट हाँ इस वाले गेम में 92W तक पावर कंज्यूम हुई है GPU की, जो कि काफी अच्छी चीज है, बट CPU की पावर ज्यादा कंज्यूम नहीं होती थी अपने इस वाले गेम में। देन COD Warzone टेस्ट किया, एक्सट्रीम प्रीसेट रख दिया मैंने इस पे, और एक्सट्रीम प्रीसेट के हिसाब से 30-40 FPS हमारे पास आ रहे, उससे ज्यादा हाई नहीं गए, तो मैं ये कहूंगा एक्सट्रीम पर खेलना है तो तुम्हें DLSS चाहिए ही होगा, क्योंकि साइड बाय साइड देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल FPS आ रहा है DLSS को ऑन करते ही, जो कि इतना बड़ा चेंज मैंने आज तक किसी लैपटॉप में नहीं देखा, मतलब अब ज्यादा चेंज आने लग गया होगा या तो Warzone के अपडेट अच्छे हो गए होंगे, तो DLSS काफी तगड़ा काम कर रहा है Warzone में। अगर e-sports गेमिंग करनी है तो अल्ट्रा प्रीसेट रख लेना एक्सट्रीम की जगह, और DLSS ऑन कर लेना, तुम्हें आराम से 100-80-90-100 तक FPS मिल जाएंगे। देन हमने स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स टेस्ट किया, और ये वेरी हाई प्रीसेट पर मैंने टेस्ट करा है, और यहाँ देख सकते हो कि DLSS के साथ साइड बाय साइड कितना डिफरेंस आ रहा है, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस था नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही FPS आ रहे थे। एंड जो हल्की हल्की जिटरनेस तुम्हें मिल रही है, ये मुझे लगता है कि कोई ग्लिच था मेरे वाले उसमें, तो इस वजह से आ रही है, जनरली 60-70 FPS में ग्लिचेस नहीं आते हैं, एंड इतने ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं जा रहे कि हम कह दें कि थ्रोटलिंग हो रही है, तो ये पक्का कोई गेम का इशू था। और इसके अलावा रे ट्रेसिंग के साथ भी देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आता है, कोई ज्यादा डिफरेंस मुझे रे ट्रेसिंग पे भी नहीं लगा, एंड रे ट्रेसिंग
ट्रेसिंग के भी FPS देखो तुम, बिना रे ट्रेसिंग जितने ही आ रहे हैं 60-70, कभी भी रे ट्रेसिंग में इतने अच्छे FPS नहीं आते। तो ये पक्का कोई ग्लिच था, तो मैं ये कहूंगा कि रिलाय मत करना इस वाले टेस्ट पर, इस पर्टिकुलर गेम पे, बाकी तुम्हारी इच्छा। जो था वो मैंने दिखा दिया। फिर हमने साइबर पंक टेस्ट किया, और यहाँ भी साथ साथ देख सकते हो अल्ट्रा प्रीसेट पर टेस्ट कर रहे हैं DLSS में हमें कितना डिफरेंस मिलता है, एंड अच्छा खासा डिफरेंस आ गया यार। 20 FPS के आसपास हमारे बूस्ट हो गए थे, एंड 90+ वॉट तक की पावर हमारी कंज्यूम हो रही है। रे ट्रेसिंग के अंदर देख सकते हो कि बिना DLSS के तो भाई खत्म है बिल्कुल, 10-15 FPS आ रहे हैं, तो मत ही खेलना अल्ट्रा प्रीसेट पे, कम कर देना प्रीसेट को, मैंने तो मैक्सिमम दिखा दिया। और DLSS के साथ फिर भी थोड़ा प्लेबल हो गया रे ट्रेसिंग में, मतलब 30-35 FPS हमारे आ रहे थे, तो DLSS काफी अच्छा काम कर रहा है ऑलमोस्ट सारे गेम्स के अंदर। बस स्पाइडरमैन में नहीं किया, और उसका मैंने बता दिया कि मुझे लगता कोई पक्का ग्लिच हुआ था उसमें। देख लिया सब कुछ, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो अभी करंटली ये वाला जो लैपटॉप है ये 80,000 के आसपास चल रहा है, 80-82,000 इतना ही लमसम है इसका अमाउंट। एंड इस प्राइस पर एक मेरे को लेनोवो लोक का वेरिएंट मिला i7-13650HX के साथ, 90,000 रुपीज में आ रहा है, सेम ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर भी। बस बेनिफिट ये है कि भाई हमें डिस्प्ले बहुत तगड़ी मिल रही है, 100% sRGB उसके अंदर, और इसमें मिलती है हमें बेसिक वाली डिस्प्ले, तो वो मुझे स्लाइटली बेटर ऑप्शन लगा। अगर तुम बजट बढ़ा सकते हो तो मतलब 5-7 हज़ार रुपए का फर्क आ जाएगा, क्योंकि यार अगर हम 80-85,000 फूक रहे हैं तो एक अच्छी डिस्प्ले तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, मतलब अगर किसी को कलर ग्रेडिंग वगैरह ये सारे काम करने हो तो अपने हिसाब से देख लेना, या फिर कलरफुल का जो लैपटॉप है वो भी प्रेफर कर सकते हो, उसका रिव्यू हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई डाउट वाउट हो तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर रखी है उसकी वीडियो में, वो काफी ज्यादा सस्ते में तगड़े स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, मतलब इस बजट में वो भाई i7 के साथ 13th generation 4060 आ रहा है उनमें, बट नया ब्रांड है तो मैंने सारी चीजें क्लियर करी है उस वीडियो में, एक बार देख लेना। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर 80,000 में तुम्हें ये वाला लैपटॉप मिल जाए ना, 80 से नीचे भी मिल जाए अगर, तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी डील है, क्योंकि प्रोसेसर मतलब वन ऑफ द वर्थ इट प्रोसेसर है ये, तो डिसीजन तुम्हारा है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी लोग भी मिलकर के तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके खरीद सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।